बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार रविंद्र रैना श्रीनगर पहुंचे, जहां उनने कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम में हिस्सा लिया। श्रीनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रविंद्र रैना का बॉलीवुड के गाने लगाकर भव्य स्वागत किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए रविंद्र रैना ने कहा कि उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसे वो ईमानदारी और लगन के साथ निभाने का पूरा प्रयास जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य की मौजूदा स्थिति को बेहतर बनाने में वो अपना पूरा और अहम योगदान देंगे। उनके मुताबिक घाटी में खून खराबे पर वो काफी दुखी हुए हैं और वो चाहते हैं कि ये सिलसिला अब बंद हो। उन्होंने जल्द से जल्द घाटी में अमन और शांति बहाल करने की कामना की और साथ ही रसाना मामले पर रविंद्र रैना ने कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिलहाल लोगों को सब्र करना होगा क्योंकि रसाना मामला कोर्ट में है। मैं भारतीय जनता पार्टी के रियासत जम्मू कश्मीर के और पूरे मुल्क की अपनी जो सेंट्रल लीडरशिप है उनका बड़ा मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर बहुत यकीन किया है और ये अहम जिम्मेवारी मेरे कंधों पर डाली है। ये एक जिम्मेवारी है और मैं पूरी ईमानदारी के साथ इसको निभाने की कोशिश करूंगा, पूरी कुव्वत के साथ, पूरी कर्मठता के साथ, डेडिकेशन के साथ, ईमानदारी के साथ और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ अपनी इस जिम्मेवारी को पूरा करने की कोशिश करूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख की आवाम जो है ये खुशहाली के उस मंजर की ओर जाए जिसके लिए रियासत जम्मू कश्मीर जाना जाता था, जिसके लिए जंगे आज़ादी के दौर में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ये मेरे को रोशनी की किरण नज़र आई है तो रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख में नज़र आई है। वो रोशनी की किरण दोबारा से इस रियासत जम्मू कश्मीर में बड़ी मजबूती के साथ बुलंद होकर वो सबको जगमग करे, ऐसी मेरी कोशिश रही।